हेलो एवरीवन, राधे राधे। यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। हल्दी ली है मैंने, यहाँ पे मैंने हर ली है, लौंग ली है, मैंने लिया है जीरा, उसके साथ ही मैंने अजवाइन ली है, सौंफ ली है, और मैंने बड़ी इलायची ली है, हींग ली है, और लिया है मैंने मेथी दाना। अब मैंने एक तवे को गर्म किया, उसमें थोड़ा सा तेल डाला है। तेल में अब मैं ये सारे मसाले भून लूँगी। इस तरह से सारे मसाले को भून लूँगी, हींग को भी इसी में ऐड कर दूँगी, वो भी भून लूँगी। उसके बाद हल्दी को भी इस तरह से आपको भून लेना है। अभी सब मसाले भुन गए हैं, मैंने एक बाउल में निकाल लिए हैं। अब मैं इन मसालों को खल्लड़ में डाल के हल्का सा दरदरा सा कूट लूँगी। इधर मैंने नमक लिया है। देखिए, इस तरह से आपको ये मसाले को खल्लड़ में डाल के कूट लेना है, क्योंकि मिक्सी में हल्दी आप साबुत डालेंगे तो नहीं चलेगी, इसीलिए इस तरह से कूट लेना है आपको मसाला। अब मैंने ये मिक्सी के जार में मसाला भुना था, कूट लिया, वो डाल दिया है। अब मैं पहले इसको पीस लूँगी, पहले आपको अकेले इसी को पीसना है। देखिए, अब मैंने यहाँ काला नमक, ये सफ़ेद नमक दोनों को मिला लिया है। अब मैं ये जो जार में मैंने मसाला डाला है, मैं उसको अच्छे से पीस लूँगी। अब देखिएगा, मैंने ये मसाला पीस लिया है। अब मैं ये मसाला है जो इसी नमक में मिला दूँगी। इस तरह से इस मसाले को आपको पीसना है, फिर इसी मसाले में मसाले को इसी नमक में मिला देना है आपको इस तरह से। और उसके बाद आप ये थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी के जार में डाल के इसको फिर से पीसना है एक बार। देखिए, इस तरह से आपने थोड़ा सा लिया, अब इसको फिर से पीस लेना है। पीसने के साथ इसको आपको धीमे धीमे करके पीसना है, क्योंकि नमक है। तो देखिएगा, इस तरह से आपने पीस लिए। अब आप एक छन्नी लेंगे, आटा छानने वाली, अब उसमें डाल के इसको छान लेंगे। इसी तरह आपको जितना मसाला बनाना हो आप इसी तरह पीस लीजिए और छानते जाइए। मसाला इतना टेस्टी है, आप चाट मसाला, चटनी, अचार खाना भूल जाएंगे जब एक बार ये मसाला बना लेंगे। इसको कहते हैं बुकनू, यहाँ पे ये बहुत ही फेमस है, यूपी की रेसिपी है, हमारे हर रिलेटिव के यहाँ आपको मिल जाएगी। थैंक यू।